हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे दिग्गज शेयर से रिलेटेड जिनमें आपको स्विंग ट्रेडिंग से बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं और तीन की जगह हम चार कर लेते हैं कि चार शेयर में आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर नर्जा, नजर आएगा तो उन चार शेयर से रिलेटेड हम बातें करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो आपको अच्छे खासे गेंद दे सकते हैं तो आइए बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें शेयर करें दूसरे लोगों को लाइए एज वेल एज सीखिए यहाँ पर प्ले आपके लिए बना रखिए प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए दो वीडियो अभी आज के डेट में बनाई गई है अच्छे खासे गेंद मिल सकते है। अगर आप आपका नजरिया छह महीने एक साल का है तो पचास पचास परसेंट के गेन मिल सकते हैं है, अपनी अच्छा है। तो है। uh, है खुद की स्टडी एज वेल एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको हेल्प लेनी है तो हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं चार शेयर में से नंबर वन शेयर की अगर बात करूं तो ये एस टेक्नोलॉजी कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाई थी फाइव बेस्ट आईटी स्टॉक यहाँ पर देखिए पर स्विंग ट्रेडिंग से आपको पैसे मिल सकता है तो आज की डेट यहाँ पर देखिए फंडामेंटल्स आपको सब पता ही है कितने अच्छे फंडामेंटल्स है और अगर बात करें यहाँ पर सेल्स हाइएस्ट लेवल सेल्स हाइएस्ट लेवल यहाँ पर रेवेन्यू सब कुछ आता हुआ दिखाई दिया है ये गिरावट आपको दिखाई दी है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपेंसिस कुछ ज़्यादा हुए हैं एज वेल एज अगर बात करें उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस दिया था इस वजह से अदरवाइज बात करें आई टी का दिग्गज शेयर है निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी है अगर बात करें नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा है मतलब हमेशा बढ़ता हुआ नजर आया तो ऐसी इन ऐसे शेयरों में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना नीचे लेवल पर लेने की तो एक हमें अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए हमेशा याद रखिएगा तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस शेयर की तो एस टेक्नोलॉजी बहुत टाइम पहले भी बताया था जब ये शेयर नौ रुपए के आसपास पास यहाँ ट्रेड कर रहा था आपके लिए वीडियो बनाई थी और कहा था कि शेयर को नजर रखिए शेयर को खरीदना है क्योंकि आपको अच्छा खासा गेन बनता हुआ दिखाई देगा उस टाइम में अलग टारगेट आ रहे थे इस टाइम की बात करूँ तो इस टाइम एक अलग टारगेट नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पर देखते हैं इस शेयर से रिलेटेड तो यहां पर अगर हम देखते हैं टेक्निकल से रिलेटेड तो यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहां पर सॉरी <coughs> यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक कप बना है इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है बड़ा ही हैंडल है और इसके बाद ये शेयर अच्छा खासा गेन देते हैं अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मकसद से बात करें तो अगर देखिए यहाँ पर रिजल्ट का टाइम ऑलरेडी आ गया है ओके और रिजल्ट एक एक करके सारी बेहतरीन कंपनियों के यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं एस सी एल टेक्नोलॉजी से कल भी बात करी थी कि एक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसे बिल्कुल भी मत करे मिस मत करिएगा और आज के दिन वो अपॉर्चुनिटी मिली भी थी और कहाँ मिली थी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा भी गिर गिरता है शेयर तो उठा लीजिएगा तो नाइन सिक्सटी तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था अब मुझे नहीं लगता कि ये शेयर गिरता हुआ नजर आएगा क्योंकि रिजल्ट पास में है कल टीसीएस के रिजल्ट है उसके बाद ये शेयर जितने भी आईटी कंपनी के शेयर है ये सारे के सारे भागते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप अगर हम देखें तो यहाँ पर आज यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा गेन देता हुआ दिखाई देता है अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो गेन है वो आपको दिखाई देंगे जो इसके ऑल टाइम हाई के आसपास है अगर बात करें जो कि आठ आठ परसेंट के इसके लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे टारगेट की का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरा बारह सौ रुपए के आसपास का नजरिया तीन महीने का नजरिया छह महीने का नजरिया तो ये टारगेट भी आपको बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा नौ पे शेयर चल रहा है बहुत काफी बेहतरीन है इसके अलावा दूसरे शेयर की अगर बात करें तो दूसरा शेयर जो हमारे पे है वो वो है रोजरी बायोटेक इससे रिलेटेड मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है बट इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो डेफिनेटली आएगी जिसमें आप फंडामेंटल्स देखेंगे और जानेंगे इस कंपनी 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 के बारे में तो डेट फ्री है cap, cap है मार्केट कैप कैप स्मॉल का सब चीज अच्छा है अगर बात करें ईयरली बेसिस हाएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू सेल्स सब कुछ हाइएस्ट एवर है ईयरली बेसिस पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है यहां पर अगर बात करें यहां पर प्रोमोटर्स एफ आई सबकी होल्डिंग अच्छी खासी है और रिटेल पब्लिक के पास ना के बराबर है यहाँ पर शेयर है और बात करें इस शेयर की तो यह शेयर ऑलरेडी मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई भी शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो जाता है अच्छा खासा करेक्ट होने का मतलब क्या है कि 20 से 30 परसेंट के लगभग अगर करेक्ट हो जाता है तो उसमें या तो आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या वहां पर एक आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए अच्छी खासी मतलब बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं देखिए फिफ्टीन परसेंट गिरा हुआ है तो यहां पर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं अगर आपको दस हजार लगाने हैं तो आप आज की डेट में तीन लगा दीजिए चार लगा दीजिए और गिरता है तो यहाँ पर और लगा दिया बट

हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसके भरोसे अच्छा अच्छा पर पर गेन गेन मिलता हुआ हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है 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 तो 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 अगर हम बात करें और भी कुछ तो भी कुछ चीजों की की जब ये 50 DMA के तो ये 50 DMA के के आसपास आया लाइन या तो थोड़ा सा गिर के फिर ऊपर भाग गया है अच्छी खासी दोबारा ये भागता हुआ नजर आएगा वो उसके बड़े बड़े क्लाइंट है जब इससे रिलेटेड बातें करेंगे ना उस टाइम हम इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी चीजें और आपको मैं सब कुछ बताऊंगा उस टाइम यहाँ पर आपको टारगेट तो शायद यही रहेंगे बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियो आएगी बट अगर बात करें अभी भी यहाँ पर देखे तो अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं तो ये शेयर ने कुछ ज्यादा टारगेट नहीं दी मतलब रिटर्न नहीं दिया तो इस चीज को याद रखिएगा फिर भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पंद्रह सौ रुपए के आज सोल टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे टारगेट है अगर ओवरऑल बात करें। कि कितने परसेंट के टारगेट ये नजर आ रहे हैं तो ये अच्छे खासे टारगेट है यहाँ पर उनतीस तीस परसेंट के टारगेट नजर आ रहे हैं तो ऐसे शेयरों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले इसके अलावा ऑल टाइम फेवरेट जहां पर मैं बार बार स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंड भी करता हूँ और मैं खुद यहाँ पर यहाँ पर खुद इन्वेस्ट करता हूँ हर बार जब भी ये शेयर एक लेवल पर आ जाता है ब्रिटानिया मिसिज बैक्टर रिलेटेड अभी वीडियो बनाई है वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसी तरीके से यहाँ पर बात करें ये भी एक बेहतरीन शेयर है आ, लार्ज कैप कंपनी का शेयर है और और अगर बात करें हाईएस्ट एफ और यहाँ पर रिवेन्यू वगैरह सब चीज़ है अच्छी खासी यहाँ पर शेयर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई आ रही है इस और बार बार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल दे रहा है शेयर कि आप जितना पैसा कमाना है आपको स्विंग ट्रेडिंग से कमा लीजिए मैं बार बार अपॉर्चुनिटी आपको देता रहूँगा तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो यहाँ पर आ गई है क्या अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले अगर मैं बात करूं जब भी कोई शेयर 200 हंड्रेड डी के नीचे आ जाए थर्टी परसेंट गिर जाए टू हंड्रेड डी के आसपास या नीचे आ जाए ना तो उस शेयर को यहाँ पर खरीद लेना चाहिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 200 हंड्रेड डीएमए के आसपास ये शेयर दोबारा आ गया है और मुझे नहीं लगता है देखिए हर बार अलग अलग इसने यहाँ पर पॉइंट्स पर मतलब प्राइवेट्स पॉइंट्स बनाए या अलग अलग इसने लेवल बनाया है तो यहाँ पर इस बार का लेवल यहाँ पर आई थिंक इसके आस ही इसका लेवल रहेगा ज्यादा कोई लेवल नहीं लग रहा और बाकी अगर हम बात करें इसके टारगेट से रिलेटेड तो यहाँ पर एक अच्छा खास चार्ट पैटर्न यहाँ पर दोबारा बन रहा है ये बार बार चार्ट पैटर्न बना रहा है अच्छा खासा तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बना के रख सकते हैं आप आ, एक मिनट दीजिए मुझे तो दोबारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर देख लीजिए एक आ, आ, यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है एक यहाँ पर शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा हेड बनाया फिर दोबारा एक यहाँ पर शोल्डर uh, बनाता हुआ नजर आ रहा है जब ये शोल्डर तैयार होगा फिर एक ब्रेकआउट होगा बट ब्रेकआउट हो या ना हो इससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम अच्छा खासा यहाँ पर गेन uh, लेने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉरी यहाँ पर अगर एक तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं टारगेट तो देखिए अच्छे आने ही है यहाँ पर इसने अभी बोनस डिवेंचर भी दिया था उस टाइम भी हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई किया था क्योंकि शेयर काफी नीचे आ रहा था तब भी हमने स्विंग ट्रेडिंग से यहाँ पर पैसे कमाए थे जो अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं इकतालीस सौ के यहाँ पर देख लीजिए जो कि अच्छे खासे है बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग से अभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर अच्छे खासे गेन जो कि यहाँ पर पहले तो आ रहे हैं यहाँ पर फाइव परसेंट के उसके अलावा अगर हम बात करें और भी यहाँ पर और भी टारगेट की तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम टारगेट यहाँ पर ये कंपनी जिस दिन अ, मूड में आई थी ना उसी दिन यहाँ पर ये सारे टारगेट अचीव हो, हो लेंगे जो कि इसका अभी इस हिसाब से टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है एक मिनट एक मिनट लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कोई इशू नहीं है तो अगर बात करें यहाँ पर लगभग 16 परसेंट की टारगेट ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ही आपको रखने हैं बाकी एक और शेयर के अगर मैं बता दूं तो दू पर एक और शेयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं सॉरी सॉरी बर्जर बर्जर पेंट पेंट से रिलेटेड इंडिया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा यहाँ पर कब विद हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए एक विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो लिया है और ये शेयर भाग लिया है यहाँ पर लगभग ये यहाँ पर देखिए किसने इसने कप बनाया इसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट तो अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है आज न्यूज में भी आपको बताया ही होगा यहाँ पर अगर ये यह कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एडिशन बन रहा है ओआई एडिशन वो सब ऑप्शंस आप, उप, वगैरह के लिए है बट कोई इशू नहीं अगर हम इसके हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर पाँच छह के रिटर्न के लिए जा सकते हैं जो इसका टारगेट कितना आ रहा है इसका टारगेट आ, आ रहा है 880 के आसपास यहाँ पर 880 882 के आसपास आप यहाँ पर के लिए जा सकते हैं लगभग पांच या छह परसेंट का यहाँ पर गेन आपको मिल जाएगा पांच परसेंट का गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है बाकी ये छोटे छोटे टारगेट्स है इस तरीके से ही स्विंग ट्रेडिंग की जाती है कुछ स्विंग ट्रेडिंग में आपको जल्दी निकलना हो जाता है कभी कुछ स्विंग ट्रेडिंग में आपको छह महीने का टाइम लग जाता है तीन महीने का टाइम लग जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड का टाइम तो जिस तरीके का आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस तरीके की अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्राफ कर लेना चाहिए यहाँ पर अगर बात करें ये यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन इन्वेस्ट फरअवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस